हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतीमन। कैसे हो आप सब? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सबकी अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। तो उसका रीज़न है क्योंकि हमें क्या करना है, नौकरी आपको दिलाना है। तो नौकरी जो है लेने के लिए आप लोग काफ़ी मेहनत करते हो, ये दिखाई भी देता है। और देखिए, मेहनत आपको ही करनी है क्योंकि नौकरी जो है उसका सुख जो है वो आपको ही मिलेगा। तो मेहनत कोई और नहीं करेगा, आप ही करेंगे। लेकिन कुछ एग्ज़ाम जो है वो आगे पोस्टपोन हो जाते हैं या फिर कुछ मौसम का बदलाव ऐसा हो जाता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कि पढ़ाई जो है वो तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी मौसम आए, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ आए। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट जो हैं वो नोट किए हैं, आप लोगों के लिए शायद आपके कुछ काम आ सके या आप लोगों का पढ़ाई में दोबारा से मन जो है वो और भी ज़्यादा लग सके। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम जो है वो और भी आगे जाएगा तो हम पढ़ाई करके क्या करेंगे। बीच में अगर आप किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे तो फिर आपको वो चीज़ दोबारा से लर्न करने में बहुत मुश्किल आएगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसको इस टाइम 2 घंटे से ज़्यादा ना पढ़े। 2 घंटे तक पढ़ते हैं, 2.5 घंटे तक पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें याद होती हैं, आपका मन भी लगता है। लेकिन आप पूरे दिन ही एक सब्जेक्ट को लेकर रहते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे और आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा भी समझ में नहीं आएगी। और अब अगर आप अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं तो आपको चीज़ें जो हैं वो काम आई हुई चीज़ें जो हैं वो भी समझ में आने लगती हैं। जैसे आपने 2 घंटे साइकोलॉजी को दिए, 2 घंटे आपने हिस्ट्री को दिए, 2 घंटे आपने लगभग 2 घंटे आपने ज्योग्राफी को दिए। तो ऐसे पढ़ाई करने से जो है वो मन भी लगा रहता है और हमारे सब्जेक्ट जो है वो कवर भी होते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे दिन एक सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ें, हर 2 घंटे में आप क्या करें, सब्जेक्ट जो है वो चेंज करें, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त आप दूसरी चीज़ ना करें, मल्टीटास्क जो है वो नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि फोकस जो है अगर हम एक चीज़ पर करते हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी लर्न होती है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और साथ में आप टीवी चला रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं आप साथ में आप मोबाइल में मैसेज देख रहे हैं या आप कुछ भी करने लग जाते हैं पढ़ाई के साथ, तो ऐसा नहीं करना है। जितना काम आप कर रहे हैं उस चीज़ पर ही ध्यान दें। मेरा मानना है कि यदि आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी बहुत अच्छे से देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करिए, अगर आप मोबाइल में मैसेज देख रहे हैं तो केवल मैसेज ही करिए। 2 काम या 3 काम एक साथ करने से उस चीज़ का लाभ नहीं होता है। तो लेकिन आप लोगों की बात पढ़ाई की है तो पढ़ाई के साथ केवल और केवल पढ़ाई ही होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ खाना भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ जो है वो अपनी जगह अच्छी लगती है। उसके बाद देखिए, कुछ भी पढ़ते हैं सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करिए, समराइज करिए। इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद उसको छोटे छोटे भागों में या फिर पॉइंटों में आप नोट करिए, जिससे कि आप नोट करते जाएंगे और सीक्वेंस में उन्हें लगाते जाएंगे तो जो अंतिम टाइम आता है एग्जाम का, वहाँ आप इतनी सारा मैटर जो है वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप फटाफट से कुछ मेन पॉइंट होते हैं उनको आप फटाफट से देखकर वो चीज़ें याद कर सकते हैं कि हाँ, ये वाली चीज़ जो है हमने यहाँ पर पढ़ी थी, इसके अंदर हमने ये याद किया था, ठीक है। तो क्या करें, उसे समराइज कर लें। कुछ भी पढ़ें सीरीज वाइज जरूर लगाएं, क्योंकि जैसे हम एक कहानी जो है वो पढ़ते हैं, स्टार्टिंग होती है फिर उसका धीरे धीरे एंड होता है, तो वो चीज़ें जो है वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं। आप लोगों को मूवी क्यों याद रहती है, रीज़न है उसका, शुरुआत होती है और धीरे धीरे जाके उसका अंत होता है। इसी तरीके से पढ़ाई भी, पढ़ाई को भी इसी तरीके से बनाइए कि उसे भी बिल्कुल सीरीज वाइज लगाइए, स्टार्टिंग है और एंड है, ठीक है। हर चीज़ जो है वो याद की जा सकती है, इतना मुश्किल नहीं होता है। और जिस भी चीज़ में आपको कोई परेशानी है, आप जिस चीज़ से डरते हैं, जो भी चिंता है, उसे क्या करें, कहीं पर लिख लें। लिखने से क्या होता है ना, वो चीज़ हमें पता रहती है, हमें इस चीज़ से डर है, हमें इस चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा चिंता है, तो पढ़ाई में वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। और अंत में क्या करें, जब भी आप दिन में पढ़ लेते हैं तो खुद का एग्ज़ाम ज़रूर लें, अपने बैठें और खुद को देखें
कि आज मैंने जो पढ़ा है क्या मैं इनको सही कर सकता हूँ, क्या मैं इनके क्वेश्चन जो है वो हल कर सकता हूँ, जो मैंने याद किया है वाकई में मुझे ये चीज याद हुई है या नहीं याद हुई है। तो इसलिए खुद का एग्जाम जो है वो जरूर लेना चाहिए। और जब भी आप पढ़ाई करते हैं, जैसे आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा, तो 2 घंटे के अंतराल में आप क्या ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। मान लीजिए आप 50 या 60 मिनट आप पढ़ रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इससे माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है, अगले सब्जेक्ट के लिए मन जो है वो लगा रहता है। जैसे ही पढ़ाई खत्म हो जाती है, आप खुद को मोटिवेट करें, उसके लिए आप खुद को पुरस्कार भी दें। सुबह से शाम तक आपने पढ़ाई की, आप बिल्कुल अपने आप को पुरस्कार कैसे देंगे कि आज मैं ये वाली मूवी जो है वो जरूर देखूंगा। ऐसा नहीं होता है, जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई को हवा बना लेते हैं, हमें तो सुबह से लेकर बिल्कुल रात के अंत तक पढ़ना ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। इससे चीजें जो है और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो अंत में आप क्या कुछ सॉन्ग ही सुनते हैं, सॉन्ग सुन लीजिए, सॉन्ग सुनते हैं माइंड फ्रेश हो जाता है, मूवी देख लेते हैं, 2-2.5 घंटे से ज्यादा की नहीं होती है, देखते हैं, आपका मूड फ्रेश हो जाता है, नेक्स्ट डे फिर आप रिचार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है पढ़ाई। लेकिन ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, ये जो भूत सा होता है ये अपने ऊपर सवार होने दे। क्योंकि एक बच्चा 2 घंटे उस चीज को पढ़कर वो चीज गेन कर सकता है, वहीं दूसरा बच्चा जो है वो उसी चीज को 10 घंटे तक पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है वो भी करना चाहता है। तो वो 10 घंटे पढ़ना और वो 2 घंटे पढ़ना जो केवल और केवल उस बच्चे ने केवल और केवल पढ़ाई की, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, कम टाइम में ज्यादा चीज को अचीव करना। बीच बीच में आप लोग पानी जो है वो कम पीते हैं, मौसम ऐसा है इसमें बीमारी जो है वो भी काफी बढ़ जाती है। पानी की जो कमी है उसे बिल्कुल भी कम ना होने दे। जितना पानी पी सकते हैं आप, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। पढ़ाई करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुद का स्वस्थ रहना। स्वस्थ आप रहेंगे, आपका माइंड जो है वो स्वस्थ रहेगा, आप लोग पढ़ाई जो है उसी तरीके से कर पाओगे। और इसके अलावा 7-8 घंटे तक नींद जो है वो तो आपको लेनी ही है। नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज जो है वो किसी को नहीं करना है। नींद पूरी होगी, स्वस्थ होंगे आप, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। हो सके तो मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट जो है वो मॉर्निंग में एक्सरसाइज जो है वो आपको करनी ही चाहिए, जो कि सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। तो देखिए, पढ़ाई जो है वो जरूरी है आपके लिए बहुत ज्यादा, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहली बात जो है वो क्या है, आपके शरीर का स्वस्थ होना। सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल फिट रखिए, स्वस्थ रखिए। उस हेल्दी माइंड से आप काम करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आप ज्यादा अचीव कर पाओगे और एग्जाम में आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो एग्जाम जो है वो केवल और केवल 90 मार्क्स लाना ही नहीं है आपका उद्देश्य, ये मैं आपको पहले से ही कहती आ रही हूँ। 90 नंबर जो है 150 में से लेकर आ जाते हैं, बहुत बच्चे लेकर आ जाते हैं। आपको 90 नहीं लेना है, आपको 110 से प्लस लेना है। ठीक है, 110 से ज्यादा नंबर तो आपको लेने ही हैं, ताकि कॉन्फिडेंस से आप रिजल्ट के आने से पहले ही बोल सकें कि हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो तैयारी जो है यदि आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे से करनी है। ऐसा नहीं करना है कि गिरते पड़ते तैयारी करनी है, या फिर मेहनत भी करनी है और वो भी बेकार जानी है। तो ये दोनों ही चीजें गलत हो जाती हैं। अगर मन से पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, और नहीं करनी है केवल ऐसे ही एग्जाम देना है तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। एग्जाम तो है वो 16.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो देंगे एग्जाम। हर कोई जो है वो एग्जाम फाइट करके और नौकरी नहीं ले पाएगा, ये आप भी जानते हो, क्योंकि वैकेंसी जितनी होगी उतने ही बच्चे जो है वो नौकरी ले पाएंगे। तो जिन बच्चों को नौकरी लेनी है उनको खुद को मोटिवेट करना है, मजबूत करना है, और अपने आप को इतना अच्छा बनाना है कि आगे हमारा भविष्य जो है वो संवर सके, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको दोबारा से फिर यही पढ़ाई, फिर यही रिवीजन ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसी तरीके से मोटिवेट रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, और मिलते हैं इसी तरीके से। हम लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।